इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। पाकिस्तान में के कोरोना वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगी और इस आफत से कुछ रिलीफ मिलेगा। अब आप देख ही रहे होंगे खबरों में कि किस तरह से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में शुरू हो चुकी है। न सिर्फ इसमें डेवलप्ड कंट्रीज मौजूद हैं बल्कि हमारा हमसाया मुल्क भारत, नेपाल, इंडोनेशिया, ये लोग भी वैक्सीनेशन शुरू कर चुके हैं। और पब्लिक के लिए तुर्की में भी आज तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने पहली वैक्सीन की डोज ली और पब्लिक के लिए कुछ ही दिन में आगाज हो जाएगा। तो जनाब, हमने पूछना ये आज अपने एनालिस्ट से कि पाकिस्तान में जो दावे किए जा रहे थे कि डोजेज मंगवाई जाएंगी और अब से शुरू हो जाएगी, तो इसमें ताखीर की वजह क्या है? यही पूछते हैं कि पाकिस्तान में वैक्सीनेशन खरीदने में ताखीर की वजह क्या है। ओपन ऑप्शन है सबके पास। पैनल पर आज हमें ज्वाइन करिए बेनजीर शाह साहिबा और इनको जरा हम ज्यादा तंग करेंगे आज क्योंकि इनके पास रिसर्च बड़ी है इस टॉपिक पे। इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, महमल सरफराज साहिबा और मजहर अब्बास साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। महमल, आपसे आगाज करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स आपके भी बड़े हैं, आपने यकीनन गुफ्तगू की होगी, क्या वजह बताई जा रही है, क्यों ताखीर है पाकिस्तान में? देखिए अलीना, जो जहां तक मुझे पता चल सका है, खैर एक तो खैर वैसे ही ग्लोबल रिसर्च है, उस पर तो आपको बेनजीर एक्चुअली ज्यादा बेहतर तरीके से बताएंगी कि किस तरह से जो 53% ऑलमोस्ट, मतलब 50% से ज्यादा जो वैक्सीन है वो अमीर तरीन ममालिक ने खरीद ली है, जो कि शायद 14% एक पूरी पॉपुलेशन का, दुनिया की पॉपुलेशन का हिस्सा रखते हैं, लेकिन उन्होंने होर्डिंग कर ली है। यानी कि अपनी पॉपुलेशन को वो तीन दफा भी दे देंगे ना तो वो वैक्सीन जो है ना वो उनकी खत्म नहीं होती। और हम क्योंकि गरीब ममालिक में आते हैं, हम उन लोगों में से हैं कि जिनमें शायद हम 10 में से एक को भी मुश्किल से दे सकें। अच्छा, अब मैंने जो थोड़ा बहुत पता किया है कि क्या वजह है कि पाकिस्तान के अंदर इतना लेट है, एक तो पहले उन्होंने कहा कि एक वजह तो यह है कि हमारे पास पैसे नहीं थे कि हम जो है इस तरीके से एडवांस में ऑर्डर दे देते। दूसरी चीज ये है कि अगर जिस तरह अमेरिका ने तो या बाकी जो अमीर ममालिक थे उन्होंने तो ऐसे भी किया कि ऐसे ऑर्डर्स बुक करा लिए, हालांकि अभी रिसर्च चल रही थी, अभी ये नहीं पता था कि वैक्सीन सक्सेसफुल होगी नहीं होगी, कब आएगी वो सब। लेकिन अगर पाकिस्तान इसी तरह किसी कंपनी को पैसे पकड़ा देता तो कल को जी ये भी डर है जी नैब के केस ना होते अगर वो सक्सेसफुल ना होता। एक ये भी मैं आपको सच्ची बात बताऊं, ये भी हुकूमती अराकीन का जो है ना एक है कि हम अगर रिसर्च के लिए उनको इस तरह कि किसी कंपनी को दे देते और वो पैसे डूब जाते तो फिर क्या होता, यहां पर तो हमसे लोगों ने अकाउंटेबिलिटी और वो सब करना है। असल चीज अलीना, लेकिन मैं फिर भी कहूंगी इसके अंदर ये है, मैं इसमें ब्लेम नहीं उस तरीके से गवर्नमेंट को करना चाहती, असल चीज ये है कि पाकिस्तान साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत पीछे है दुनिया के बहुत सारे ममालिक। हम आपने भारत का भी, आपने अभी उनकी एग्जांपल दी, हम बहुत पीछे हैं। क्या वजह है कि चाइना और भारत जो है ये अपनी वैक्सीन्स बना बना कर कई चीजों की, काफी बीमारियों की इन्होंने ऑलरेडी बनाई और अभी भी ये आगे हैं। अच्छा, ये बड़ा अहम पॉइंट है कि भारत अपनी ही मैन्युफैक्चर कर रहा है तो उससे भी फर्क पड़ता है। जब तक हम साइंस में आगे नहीं जाएंगे, रिसर्च में आगे नहीं जाएंगे, इसमें 10-15-20 साल लगेंगे, लेकिन आज से इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे अलीना तो जो है कल को कोई पेंडेमिक या कोई चीज आती तो हम उसका मुकाबला कर सकते हैं। ये हर दफा ही वरना इस तरह से होने, इसलिए आई होप कि गवर्नमेंट ये सुन रही है और साइंस और टेक्नोलॉजी और रिसर्च के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। ठीक है बेनजीर शाह साहब, आपकी रिसर्च क्या कहती है, क्योंकि पाकिस्तान में तो क्लिनिकल ट्रायल्स हो भी रहे थे ना चाइनीज वैक्सीन के, तो फिर ताखीर क्यों आ रही है? अलीना, इसकी दो बड़ी वजूहात ये है कि एक तो हमें गरीब मुल्क है, हम उस तरह नहीं खरीद सकते वैक्सीन जिस तरह अमरीका ने, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड इन्होंने खरीदा। दूसरी एक वजह यह है कि हम उन ममालिक में नहीं है जो अपनी वैक्सीन खुद बना रहे हैं, जैसे चाइना है, इंडिया है और रशिया भी अपनी बना रहा है। यहाँ वो मुल्क जो है वो अब जो वैक्सीन खुद बना रहे हैं वो सबसे पहले प्रायोरिटी अपने मुल्क को देते हैं, हम उन ममालिक में नहीं है, क्योंकि हमारे मुल्क में तालीम का कुछ ऐसा निज़ाम है कि यहाँ पे इस पे जोर ज्यादा है कि जीन्स बच्चों ने पहने हुए हैं या मेकअप किया हुआ है या नहीं किया हुआ साइंस से, जैसे महमल ने कहा। देखिए, अब हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शन एक तो हमारे पास है, एक चाइनीज कंपनी एक वैक्सीन बना रही है, कैनसिनो के नाम से एक वैक्सीन है जिसका पाकिस्तान में सितंबर से ट्रायल चल रहा है और अभी इस हफ्ते वो ट्रायल खत्म हो जाएगा। हमने कोई तकरीबन 17,000 से 18,000 लोगों को वो वैक्सीन लगा ली है। अच्छा, वो जब ट्रायल खत्म होगा तो ये जो वैक्सीन है ये जाएगी कनाडा,
वहां पे एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो बैठ के इसको देखेंगे और फिर वो फैसला करेंगे कि अब ये वैक्सीन लोगों को लगाई जा सकती है या नहीं, या इसको इसकी मार्केटिंग या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इसको गो अहेड दें या ना दें। अच्छा, एक तो हमारे पास ये ऑप्शन है। दूसरी ऑप्शन है हमारी, एक और चाइनीज कंपनी एक वैक्सीन बना रही है जिसका नाम है सिनोफार्म, जिसका फवाद चौधरी साहब ने भी जिक्र किया था कि हम वो खरीदने जा रहे हैं। अच्छा, वो जो वैक्सीन है वो अभी काफी ममालिक में इस्तेमाल की जा रही है, जैसे यूएई में, बहरीन में और चाइना में। पाकिस्तान में उसका, क्योंकि हमने उसके ट्रायल्स नहीं किए पाकिस्तान में, तो हमने यहाँ पे एक छोटा सा सैंपल लेके 10-15 लोगों का, हम उसको अभी इसकी एक सेफ्टी ट्रायल कर रहे हैं, मतलब देखने के लिए कि उससे कोई साइड इफेक्ट वगैरह नहीं है। तो जैसे ही वो सेफ्टी ट्रायल खत्म होगा, मेरे ख्याल से जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, हम उसके बाद उसका ऑर्डर प्लेस करेंगे। तो हो सकता है कि बहुत जल्द हमें सिनोफार्म की वैक्सीन, जिसना फवाद चौधरी साहब ने कहा अपने हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए और 60 साल से ज्यादा जिन लोगों की उम्र है उनके लिए सिनोफार्म मिल जाएगी। अच्छा, जो थर्ड है और मेरे अपने ख्याल से जो सबसे प्रॉमिसिंग हमारी ऑप्शन है, वो है WHO। WHO ने पिछले साल एक छोटा सा दायरा बनाया था, इसका नाम था कोवैक्स। कोवैक्स का पूरा मकसद ये था कि वो कोई 2 अरब वैक्सीन जो है पूरी दुनिया से खरीदेंगे और वो उनको अलग रखेंगे जो गरीब ममालिक हैं उनको देंगे। अच्छा, उसमें उस लिस्ट में हम भी हैं, पाकिस्तान भी है, और वो खरीदेंगे ऑक्सफर्ड से, इंडिया से, और हम नंबर नहीं है उसमें, उन्होंने एक लिस्ट बनाई हुई है लोअर इनकम कंट्रीज, मिडिल इनकम कंट्रीज। अच्छा, अब WHO की अभी कुछ 2-3 हफ्ते पहले जो एक प्रेस रिलीज आई थी उसमें उन्होंने कहा था कि हम पहली डोज मार्च में देना शुरू कर देंगे, उसके बाद दूसरी डोज जो है वो कोई साल के आखिर तक आएगी, और तीसरी डोज जो बहुत बड़ी डोज होगी पूरी आबादी के लिए वो अगले साल आएगी। तो ये हमारे पास अभी 3 ऑप्शंस है। अच्छा अलीना, अगर हमें वैक्सीन मिल भी गई तो हमें ये जरूर ये लोगों को दोबारा बताना चाहिए कि पहली प्रायोरिटी जो है वो हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं और पैरामेडिक्स हैं, और जिनकी 60 साल से ज्यादा उम्र है, और हुकूमत ने यही प्लान बनाया है कि पहली डोज उनको मिलेगी, दूसरी डोज मिलेगी, मतलब पब्लिक को बाद में दी जाएगी। ठीक है, अच्छा बेनजीर, थर्ड डोज बेनजीर, मुझे छोटा सा एक पॉइंट बता दें, ये जो वॉलंटियर्स से मुतालिक हम अभी बात कर रहे थे, तो क्या वॉलंटियर प्रोसेस में भी कुछ ताखीर हुई है या कुछ उसमें कमी रह गई जो इतनी जल्दी हम रोल आउट नहीं कर सके या लेके नहीं आ सके वैक्सीन यहाँ पर? नहीं, अगर आप कैन सीनो की बात कर रहे हैं तो देखिए ना, एक ट्रायल प्रोसेस पूरा कंप्लीट होता है तो फिर ही आप जाके उसको उसको ऑथराइज करते हैं ना। ये जो कैन सीनो है ये चाइना की एक मिलिट्री उनकी रिसर्च यूनिट है जो बना रहा है। अच्छा, चाइना ने वहां पे सिर्फ अपनी मिलिट्री को या अपनी जो फौज है उनको ये वैक्सीन लगाई है, तो अभी ये सिर्फ फेज 3 में थी। जब ट्रायल खत्म होगा, जो अब बड़ी जल्द होने जा रहा है, उसके बाद इसका फैसला होगा ना। जैसे आपने देखा होगा अक्सर वैक्सीन के बारे में वो आपको पहले बताती हैं इसकी एफिकेंसी, ट्रायल शुरू कर दिए थे काफी पहले। मैं सिर्फ इसलिए जानना चाह रही थी कि कहीं कहीं वॉलंटियर प्रोसेस में कोई ताखीर या उसमें कोई कमी तो वजह नहीं है? नहीं, हम लोग बहुत जल्दी सितंबर में शुरू कर दिए थे, बल्कि हमारा टारगेट शुरू में 10,000 था, लेकिन हमें इतने ज्यादा वॉलंटियर्स मिले थे कि हमारा टारगेट बढ़ के 17,000 से 18,000 हो गया था। तो अब हम जाके इस हफ्ते खत्म करें। ठीक है, इशाद भट्टी साहब, ये जो WHO वाली खास तौर पर बात है, वजीर आजम इमरान खान तो अपील भी कर चुके हैं कि जी गरीब ममालिक को मदद मिलनी चाहिए या वैक्सीन में कुछ मुआवनत फराहम करनी चाहिए, कुछ होगा इस जिम्मे में, क्या लगता है आपको? पहली बात तो ये मैडम शेख के पढ़ी लिखी बातें, अकल की बातें और टेक्निकल बातें बेनज़ीर साहिबा ने भी कर दी हैं और मैमल सरफराज साहिबा ने भी की हैं, और ये एंगल तो आपने देख लिया, लेकिन ज़रा सामने सामने की चंद बातें मैं भी कर देता हूं ताकि ये भी इसमें शामिल हो जाएं। इसकी काफ़ी वजूहात हैं वैक्सीन की, कुछ वजूहात तो जो जैसे मैमल और बेनज़ीर साहिबा ने बताई, एक वजह यह भी है कि आवाम हमारी कभी भी पहली तरजीह नहीं रही किसी भी हुकूमत की, नंबर 1। नंबर 2, मंसूबा बंदी दूर अंदेशी का फुकदान है इस हुकूमत में, मंसूबा बंदी दूर अंदेशी। नंबर 3, वसाइल कम मसाइल ज्यादा। नंबर 4, अभी सदके ज़कात का वक्त नहीं आया, अभी मुफ्त कहीं से हमें कोई लंगर मिलने का टाइम नहीं आया, हम मुफ्त खो रहे हैं, लंगर लेने वाले हैं, कहीं कोई सदका मिल जाए, ज़कात मिल जाए।
तो गाइज आपने वीडियो देखा, ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म, आप यहाँ से वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं जानता हूँ आप लोग इस बात को लेकर कमेंट करेंगे कि ये वीडियो नहीं था, इसमें तो केवल पिक्चर थी और ऑडियो चल रहा था। तो दोस्तों आपको बता दूँ, कुछ YouTube की पॉलिसी होती है जिसकी वजह से अगर ये वीडियो अपलोड करता तो शायद आप इतना भी हिस्सा ना देख पाते। तो आपको बता दें कि पाकिस्तान में जो कोरोना वैक्सीन को लेकर चर्चा हो रही है, पहले तो भारत और सभी भारतीयों को भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि आज से भारत में दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना वैक्सीन लगाने का जो कार्यक्रम शुरू हुआ है उसके बारे में आपको डेफिनेटली इन्फॉर्मेशन होगी। और भारत की वैक्सीन, आपको पता है सबसे पहले भारत की वैक्सीन का ऑर्डर आया था ब्राज़ील से, फिर ये वैक्सीन का ऑर्डर आया था साउथ अफ्रीका से, और अब म्यांमार से, और अब दुनिया के बहुत सारे देश भारत से भारतीय वैक्सीन लेने के लिए उत्सुक हैं। इसका मेन रीज़न ये है, आपको पता होगा क्यों, क्योंकि जो फाइज़र है, फाइज़र वैक्सीन के जो रिज़ल्ट आ रहे हैं वो बहुत ही मतलब अच्छे नहीं आ रहे हैं। और भारत का जो हिस्ट्री है वैक्सीन बनाने का, आपको पता होगा भारत में ही दुनिया की सबसे ज़्यादा वैक्सीन बनती है ज़्यादातर मर्जों की, जैसे कि आपको पता होगा स्वाइन फ्लू, इन्फ्लुएंजा और बहुत सारी जो बीमारियां होती हैं उनकी वैक्सीन भारत में ही बनती है, और वही कंपनियों ने कोरोना वैक्सीन डेवलप की है। तो दोस्तों आपको बता दें कि इस वैक्सीन को अब भारत सार्क देशों में पाकिस्तान को छोड़कर लगभग 2 करोड़ वैक्सीन देगा, फ्री में नहीं देगा, पैसे में देगा ऑब्वियसली, अभी वैक्सीन फ्री में नहीं बांट रहा है भारत। और पाकिस्तान में जो वैक्सीन आ रही है चाइनीज़ सिनोफॉर्म वैक्सीन, आपने सुना होगा, जिसका रिज़ल्ट केवल 50% है, और वो वैक्सीन पाकिस्तानियों को एज अ ट्रायल के रूप में यूज़ की गई थी, वो वैक्सीन भी अभी पाकिस्तान में, उसमें भी 1 साल से ज़्यादा समय लग जाएगा। तो इनडायरेक्टली पाकिस्तान अब भारत की कर रहे हैं तारीफ कि भारत ने खुद लोकल वैक्सीन प्रोड्यूस की है, और इनडायरेक्टली अब कुछ दिनों बाद शायद भारत से वैक्सीन मांगेगी, क्योंकि आपको पता होगा पाकिस्तान तो रेबीज़ मतलब जो कुत्ता काटने वाले रेबीज़ की वैक्सीन भी नहीं बनाता है, वो भी भारत से लेता है, और भारत में ही दुनिया की सबसे ज़्यादा रेबीज़ की वैक्सीन बनती है और सबसे सस्ती कीमत पर बनती है। तो वो वैक्सीन भी पाकिस्तान भारत से लेता है, और पाकिस्तान का 80% हिस्सा जो होता है दवाइयों का वो भारत से ही जाता है। तो शायद इन फ्यूचर में भी पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान मांगेगा ये वैक्सीन भारत से, और ये होगा, क्योंकि आपको भी पता है कि पाकिस्तान और भारत में जो दवाई आदान प्रदान मतलब युद्ध हालात में भी नहीं बंद की गई हैं, क्योंकि भारत नहीं चाहता कि कोई मरीज़ या पेशेंट ऐसे ही मर जाए। आपको पता है अभी भारत पाकिस्तान के रिश्ते कितने ख़राब रहे हैं, उस वक्त भी भारत ने पाकिस्तान को कंटिन्यूसली मेडिसिन वगैरह दी हैं। तो शायद हो सकता है भविष्य में मोदी जी एक ह्यूमैनिटेरियन मानवता के नाम पर ये एक कदम उठाएं और पाकिस्तान को वैक्सीन दें, लेकिन शायद अगर मोदी अभी ये फैसला लेंगे तो डेफिनेटली पाकिस्तानी मजाक उड़ाएंगे कि ये वैक्सीन हम नहीं लेंगे, इमरान खान भी मजाक उड़ाएगा, जैसे कि भारत में कांग्रेस ने एक माहौल बना दिया है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करते हैं भारत में जो वैक्सीन लग रही है ये सक्सेसफुली अपने रिजल्ट दें, और जो झूठ फैलाए जा रहे हैं वैक्सीन के नाम पर भारत में वो भी ख़त्म हो जाए। आपको पता है कि कितने तरीके के झूठ भारत में वैक्सीन के नाम पर अपोजिशन ने फैलाए हैं, आपने देखे होंगे न्यूज़ में सब जगह। तो दोस्तों वो झूठ भी ख़त्म हो जाए और ये वैक्सीन जल्दी से सफल हो जाए और लोगों की लाइफ नॉर्मल हो जाए, और ये मास्क जो लगा लगा कर लोग परेशान हुए हैं, ये मास्क भारत के मुँह में, जो भारतीय लोगों के मुँह में लगा हुआ है, ये निकल जाए, तो ऐसी उम्मीद करते हैं। और अगर पाकिस्तान को भारत से वैक्सीन की बाद में ज़रूरत पड़ी तो प्लीज़ बताइए आप भारत को पाकिस्तानियों को वैक्सीन देना चाहिए या नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।